हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो गाइज, आज की लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले गाइज, आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे। और आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज की सेशन को आप लोग जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इससे पिछले वाले जो जितने न्यूमेरिकल हैं, वो सभी न्यूमेरिकल आपको पार्ट वाइज पार्ट वीडियो जो मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके अटेंड ज़रूर कर सकते हैं। फिर आपका 15वां क्वेश्चन क्या करा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू 3×10³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम है। तो हाँ, जो आई कैप है वो क्या दिखाता, जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दिखा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त कर रहा है, हम कह सकते हैं वो एकांक सदिश होता है वहाँ पर। फिर क्या करा, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई दे दिया। फिर आगे करा, पहला पोर्शन इसमें पूछा है, वाई जेड तल के समांतर रखे भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, किससे, वाई जेड तल के समांतर। तो आइए इस सवाल को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तब देखिए क्या है, हम लोग एक निर्देशांक बनाते हैं, एक निर्देशांक ऐसे कुछ करके, एक ये निर्देशांक रेखा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बना लिया, ठीक। इसे हमने वाई एच का नाम दिया, इसे हमने जेड एच का नाम दिया, इसे हमने एक्स एच का नाम दिया। तो वो क्या करा है, वाई जेड के तल के समांतर रखे, तो वाई जेड तल के समांतर रखे कोई भुजा का वर्ग है, क्या है करा है, वाई जेड तल के समांतर। तो देखिए वो जो वर्ग रखा है ना, वो वर्ग जो है वाई के भी समांतर है, और किसके समांतर है, जेड के भी समांतर है। तो इस प्रकार वर्ग रखा गया है, ये कोई वर्ग है। अब कह रहा है कि रखे वर्ग से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो जो विद्युत क्षेत्र ई है उसकी दिशा इधर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इधर हो जाएगी, और जो ये आपका क्षेत्रफल है, और इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर की तरफ एस, ठीक। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा एक्स अक्ष की तरफ, और जो ये आपका वर्ग है उसकी दिशा जेड तल जेड अक्ष की तरफ हो गए, ठीक। तो ये कोई वर्ग है। अब आगे कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है भैया, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो जरा सा क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं कि वहां पर कुछ चीजें जरूर छूटी हुई हैं। क्या कह रहा है कि ठीक, यहां पर वो जो वर्ग है, जो ये वर्ग है, वो वर्ग की भुजाएं दी गई हैं 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन वहां नहीं नोट किया गया, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से। वहाँ पर वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी जो ये वर्ग है ना वो 10 सेंटीमीटर की भुजाएँ हैं, वर्ग की भुजाएँ हैं। तो आइए गाइज देखते हैं, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वाई जेड तल के समांतर रखे वर्ग से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, चलिए आइए, वाई जेड तल के समांतर रखे वर्ग से होकर गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है, फाई ई बराबर होता है ई इंटू एस। ध्यान से समझिएगा, अब E का मान आपको क्वेश्चन में उपलब्ध है 3×10³। उसके बाद अब S का मान निकालना है गाइज। तो यस क्या है, यहाँ पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यस क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो जरा सा यहाँ ये चीज़ें नोट करते हैं, तो क्योंकि वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, किसका वर्ग होता है, भुजा का वर्ग, और भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10×10⁻²⁪ हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे, 10 दहम्मा 100, ये 100,
और ये दो दूनी चार, तो 100 गुणे कितना आ गया 10 घाते माइनस 4, तो ये क्षेत्रफल आ गया। तो ये यस का मान आया गाइस, ये यस का मान आया, तो ये मान यहाँ रख सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। तो ई का मान कितना है, ई का मान है 3 गुणे 10 घाते 3, और एस का मान कितना है, एस का मान है 100 गुणे 10 घाते माइनस 4। ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस 100 को जो है हम क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 घाते 3, ये दो ठो जीरो है, इसे हम लोग 10 घाते 2 भी लिख सकते हैं, और गुणे 10 घाते माइनस 4, तो 3 2 5 3 2 5, तो 3 गुणे 10 घाते 5 गुणे 10 घाते माइनस 4, तो 5 में से 4 घटा दिए तो 1 बचा, तो 3 गुणे 10 घाते 1, और 10 घाते 1 का मतलब 10, तो 3 दहम्मा 30, तो फाई ई का मान क्या आ गया 30, और ई का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या होता है ध्यान से समझिएगा, इसका होता है न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इस प्रकार वाई जेड तल के समांतर रखे वर्ग के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि वर्ग को एक्स अक्ष के सापेक्ष 60 अंश के कोण पर स्थापित कर दें, जो ये वर्ग है इस एक्स अक्ष के सापेक्ष कितने अंश का कोण बना ले, 60 अंश का। यदि वर्ग को एक्स अक्ष के सापेक्ष 60 अंश घुमाने पर घुमा दिया जाए तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर आपने पढ़ा है ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो गाइज इतने के पूरे मान आपने निकाल के रखा है, कितना आया है 30 आया है, ई एस का मान आपने निकाला था 30 आया है, गुणे कॉस थीटा, और यहाँ थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये 30 गुणे कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक, ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 15 न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलाम, ये आ गया तब का वैद्युत फ्लक्स जब आप 60 डिग्री क्या घुमाए थे, 60 डिग्री घुमाए थे। तो इस प्रकार गाइज आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चलें मूव करें इसे। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, 16 नंबर क्या कर रहा है, इस 15 नंबर को हम लोग 16 नंबर बना देते हैं। 16 नंबर कर रहा है प्रश्न 15 के संगत एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो प्रश्न 15 में वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है वही वैद्युत क्षेत्र का मान आपको यहाँ पर भी लेना है, में नेट फ्लक्स ज्ञात करो, जबकि क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा का घन जो है निर्देशांक अक्षों के समांतर रखा गया है। तो गाइज पहले सवाल को समझिएगा, जो प्रश्न 15 में वैद्युत क्षेत्र है वही वैद्युत क्षेत्र यहाँ भी है, पर इस बार वहाँ वर्ग रखा गया था और यहाँ कौन रखा गया है, घन रखा गया है। क्या रखा गया, घन रखा गया। तो हम जानते हैं कि घन से जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं उतनी विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी जितना प्रवेश करेंगी उतना बाहर निकल जाएंगी, तो घन से जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निकलने वाली वैद्युत प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बराबर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो वैद्युत बल रेखाएं बचेंगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इसका जवाब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं घन में जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं उतना
बाहर की तरफ निकल जाती है, उतना बाहर की तरफ निकल जाती है, इसलिए घन से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई? ठीक गाइज, तो इस प्रकार आप 16 नंबर का जवाब दे सकते हो। तो आप इसका, चलिए अगला सवाल कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ साथ। आपका 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कॉले बॉक्स, कोई काला बॉक्स है, ध्यान से समझिएगा, कोई काला बॉक्स है, से होकर गुजरने वाले बाह्य शुद्ध फ्लक्स का मापन किया गया इतना है। तो बाह्य शुद्ध फ्लक्स का मापन, तो वैद्युत फ्लक्स आपको दिया गया गाइज, वैद्युत फ्लक्स कितना दिया गया? वैद्युत फ्लक्स को आप फाई ई से व्यक्त करते हैं, तो ये दिया गया 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कितना है? कूलाम है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बॉक्स में नेट आवेश, तो बॉक्स में नेट आवेश आपसे पूछ रहा है। तो गाइज, बॉक्स में नेट आवेश जो होता है आपको ज्ञात करना है, ये पहला क्वेश्चन पूछा है। दूसरा पूछ रहा है, जो दूसरा पूछ रहा है उसको भी हम लोग बाद में हल करेंगे। तो बॉक्स में नेट आवेश, तो बॉक्स के अंदर जो नेट आवेश होगा हम लोग इसको यहाँ से ज्ञात करेंगे गॉस के नियम से। कहाँ से ज्ञात करेंगे? गॉस के नियम से। आप क्या पढ़े थे? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, हमको आवेश ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू बराबर आ गया फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई का मान कितना है? 8×10³ है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85×10^-12 होता है, 8.85×10^-12। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो गाइज, इसको हल करने के बाद आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? गाइज, इसको आप हल करोगे तो 0.07×10 कितना मिल जाएगा? 10^-6, यही आएगा गाइज, 10^-6 हो जाएंगे। ये आपके क्या आ गए? कूलाम आ गए। क्यू बराबर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू का मान आपका ये आ गया 0.07×10^-6 कूलाम। आपने केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाकी हल कर देना है। ठीक गाइज, मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? दूसरा प्रश्न पूछा है यदि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला बाह्य फ्लक्स शून्य हो जाए। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या आपसे पुटअप किया गया है कि यदि फाई ई का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझिएगा, यदि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला बाह्य फ्लक्स शून्य हो जाए तो क्या आप निर्धारित कर सकते हैं कि बॉक्स के अंदर आवेश शून्य है या नहीं है? तो आपको बताना है फाई ई 0 हो तो बॉक्स के अंदर आवेश का मान आपको बताना है। तो बॉक्स के अंदर आवेश का मान बताना है। तो भाई गॉस के नियम से हम लोगों ने जाना कि आवेश बराबर होता है फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और वो बता रहे हैं कि फाई ई ही क्या है आपका? 0 हो चुका है। तो क्यू बराबर 0 इसका मान हो जाएगा 8.85×10^-12। तो 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो भाई साहब, आपको ये बातें ज़रूर पता हो जानी चाहिए कि यदि बॉक्स से वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो गया, बॉक्स से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य हो गया, तो बॉक्स के अंदर आवेश नहीं है। ये स्थिति तभी संभव हो सकता है कि बॉक्स के अंदर जो आवेश रखा गया है उनमें जो धन आवेश हैं और जो ऋण आवेश हैं दोनों बराबर हो गए होंगे, इसलिए
जो है आपकी वैद्युत फ्लक्स शून्य हो गई, और जब बॉक्स के बाहर से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य हो गया तो बॉक्स के अंदर आवेश नहीं है। तो क्या पूछ रहा था, क्या आप निर्धारित कर सकते हैं बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है? तो जी हाँ, हम निर्धारित कर सकते हैं, ये हम लोग बता सकते हैं कि यदि बॉक्स से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो बॉक्स के अंदर आवेश का मान भी शून्य होगा। क्यों? क्योंकि धनावेश और ऋणावेशों की संख्या बराबर हो जाती है। तो गाइज आप यहाँ बता सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं क्यों का मान कितना आया, जीरो आया है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक इसका। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है 10 सेंटीमीटर के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु आवेश है। तो वो डायग्राम थोड़ा सा हम लोग उसको विस्तार करते हैं और थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनाते हैं, ये कह रहा ना। वो क्या कह रहा कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या हैं, 10 सेंटीमीटर हैं। कितनी हैं गाइज, 10 सेंटीमीटर हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा कि वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे कह रहा है कि चित्रानुसार दर्शाया गया है। तो भाई ये चित्र बनाया गया, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया, यहाँ कोई आवेश बैठाया गया है। वर्ग से होकर जाने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात करना है, तो ये आपका जो वर्ग है इससे नेट फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये वर्ग है ये घन की एक फलक के बराबर है। गाइज ये जो वर्ग है ना वो घन के एक फलक के बराबर होता है। तो यहां मानेंगे, माना वर्ग बराबर घन की एक फलक। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे आता है, घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स। तो फाई ई बराबर आपने पढ़ा है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो घन के पूरे पृष्ठ से है ना, घन के एक एक फलक वर्ग के बराबर होता है। पूरा घन नहीं होता वर्ग के बराबर, घन का कोई एक फलक वर्ग के बराबर होता है। तो गाइज यहाँ एक फलक, तो कितने फलक होते हैं, 6, तो 1/6 क्या कर देंगे, 6, क्योंकि एक फलक से निकालना तो 1/6, 2 फलक से होता 2/6, 3 फलक से 3/6, तो इस प्रकार हम करते हैं। तो आइए 1/6 गुणे क्यू का मान कितना है भाई, 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 माइक्रोकुलाम को चेंज कर देंगे तो 10^-6 हो जाएगा, ये सो कुलाम में चेंज करेंगे तो 10^-6 कुलाम होगा। ठीक, आगे एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85×10^-12। तो ये 12 से ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 10^-6 बचेगा। देखिए आगे आप हल करेंगे तो 1/6 कितना है, 10 है, और ये ऊपर चले जाएंगे, ये -6 जो बचा है ऊपर गया तो 10^+6 हो जाएगा, और ये 8.85 आ गए, कितने आ गए, 8.85। 6 + 1 कितना हो जाएंगे, 7, तो 1/6×8.85 इनका इनसे गुणा, और ये कितना आ गया, 10^7। तो आप इनको गुणा करके एक में भाग देंगे गाइज, तो इनको आप गुणा करके भाग उग देंगे तो आपको मिलेगा 1.88। कितना मिलेगा गाइज, इसको हल करने पे 1.88×10^5 न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलम, ये फाई ई का मान आ जाएगा गाइज। इस प्रकार आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये घन के एक फलक से वैद्युत फ्लक्स होगा, वही वर्ग के पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उतना ही होगा। तो गाइज आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो समाप्त हो जाते हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक ही प्रयास करेंगे। आगे जो बचे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा देंगे गाइज। अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जम के शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।